तहसीलदार को इसने ही मारा था। आप इसको जाने दे रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? भाग। सुनो, अपना अगला निशाना शंकर है, देर मत करना नहीं तो पार्टी गांव में फैल जाएगी। सर एक और बात बतानी थी, जिन लोगों ने मालिक की गाड़ी रोकी थी उनका कोई सुराग नहीं मिला सर। क्यों, वो शंकर की पार्टी नहीं थी क्या? नहीं नहीं सर। फिर तो जरूर इस इलाके में एक और पार्टी घूम रही है। अब सीरियस होकर काम करो। यस सर। ये आंदोलन कितने मासूमों की जान लेगा। शरीर को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा संघर्ष और त्याग ही इस सिस्टम को बदल सकता है। बादलों के कारण जब अंधेरा छा जाता है तो उसे हटाने के लिए सूरज आता है। जाओ दोस्त, जाओ और अपने गांव के उन खून चूसने वाले मालिकों को बता दो कि गुलामी की ये बेड़ियां अब और नहीं चलेंगी। लाल सलाम। लाल सलाम। बेटा तेजस्विनी, तेजस्विनी कहाँ है? राजकुमारी जी पापा। इन अखबार वालों को तुम बचपन से कविताएं भेज रही हो, अब जाकर उन्हें तुम्हारी प्रतिभा समझ आई है। देखो उन्होंने अखबार में तुम्हारी कविता छापी है। मालिक, हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है। जैसे एक सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिर सकता, उसी तरह हमारी राजकुमारी आपसे किसी माने में बिल्कुल कम नहीं है। चलिए। प्रिय, मैं सपना हूं और तुम उसका रूप। मैं बादल हूं और तुम बारिश हो। मैं कविता हूं और तुम गीत हो। मैं रात हूं और तुम चंद्रमा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो जरूरी काम याद आ गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं हुआ पापा, बस सर दर्द हो रहा है। अगर ठीक ना लग रहा हो तो चंद्री को भेज दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ पापा। ठीक है, कंबल ओढ़ कर सो जा। ये कैसी किताब है बेटा? ये तो भाभी ने दी है। ठीक है बेटा, कोई नहीं, सो जा बेटा।
है ये लड़का? रामदास नाम का पुताई वाला है, उसी का लड़का है। कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ हर जगह पुलिस बैठी है। मैं मालिक से सुबह जाकर बात कर लूंगा, आप यहाँ से जाइए भाई। मालिक से अच्छी तरह बात करना, बात मान गया तो ठीक है, वरना हम अपने तरीके से बात करेंगे। जब ये मालिक पैदा हुए थे तब इतनी जमीन थी क्या इनके पास? सब जगह कब्जा किया है इसने। इतने सालों से हम इसकी गुलामी कर रहे हैं, अगर अब नहीं लड़ेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है तुम हमें मरवा दोगे। अगर उसे पता चल गया कि तुम पार्टी से निकल चुके हो तो पुलिस से कहकर हमें मरवा देंगे। मेरी बात सुनो, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। ये जमीन मेरी माता है, मुझे अभी वापस चाहिए। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? तेरे बाप दादा भी इन्हीं की जमीन पर रहते आए हैं और तू यहाँ? मुंशी जी, शांत रहिए, शायद उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, और कौन है जो इनका ख्याल रखेगा? सुनो रघु, जाओ अपना खेत काट लो, वो जमीन अब तुम्हारी है। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहो। जाओ जाओ। आपने वो जमीन जाने दी मालिक? ऐसे जाने दो, मैं अपनी चीज छोड़ दूं? नहीं 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 मालिक, आप क्यों छोड़ेंगे? हमने दशहरा के लिए सब कुछ मंगा लिया है मालिक, इस बार त्योहार बड़ा धूमधाम से मनेगा। मालिक, वो राजकुमारी जरा बगीचे में घूमने जाना चाहती हैं। तू क्या कहता है? आज गांव की औरतें बाहर त्योहार के लिए इकट्ठी होंगी मालिक, वो सब राजकुमारी को देखेंगे, मत भेजिए मालिक। Thank you.
बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक इतनी खुश नहीं हुई मैं। क्योंकि यहाँ किले की कोई दीवार नहीं है। रात के वक्त पता नहीं था कि किला इतना सुंदर लगता है। आज तो यह और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि तुम आई हो ना आज यहाँ। अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? मुझे वो तुम रोज खिड़की पर आते हो और मेरा इंतजार करते हो ना, वो अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम रोज खिड़की खोलती हो और मुझे देखती रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू तुम राजकुमारी हो? नहीं, तेजस्विनी। नहीं, तुम मेरी राजकुमारी हो। मेरे पापा मुझे हैदराबाद भेजने वाले हैं मेरे भाई के पास रहने के लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी रुकवाने के लिए मैंने ही पत्थर लगाए थे, मैं फिर वही करूंगा। मेरे पास तुम्हारा वो खोया हुआ लाल कपड़ा है। लाल? वो जो तुमसे फूल के बगीचे में छूट गया था। हाँ, वो सिर्फ कोई लाल कपड़ा नहीं है, माँ की आखिरी निशानी है। माँ उससे हाथ पोंछती थी। सॉरी, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास ही तो है। राजकुमारी, बाहर कौन है? पुलिस ऑफिसर है। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा मालिक। अच्छा मालिक, मैं चलता हूं। ठीक है। सिद्धा जी। मालिक, तुमने मीट तैयार कर दिया? कल रात ही कर दिया था मालिक। ठीक है, जाओ अमीन साहब की जीप में रखवा दो और दो ब्रांडी की बोतलें भी रखवा देना। ठीक है मालिक। मालिक, दशहरा का त्योहार है, राजकुमारी को नीलकंठ पंछी देखना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप आज्ञा दे तो राजकुमारी को बगीचे ले जाऊं क्या? पर जल्दी आ जाना, ठीक है?
ठीक है मालिक,